Assalamualaikum. Today we are joined by Dr. Zain Yusuf Ali at the Zawadin Hospital. और हमारा आज का topic है children की health and nutrition के बारे में. जी. तो Dr. Zain, आप अपने आप को introduce करना चाहेंगे? जी. जी, मैं डॉक्टर ज़ैन यूसुफ अली हूँ. मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, बच्चों के दिमाग का डॉक्टर भी हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में काम करता हूँ. आज जो टॉपिक हमारी यूनिवर्सिटी ने पिक किया है वो है बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन. हेल्थ और न्यूट्रिशन साथ, खाना, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये तमाम साथ के साथ जाते हैं. तो अब जैसे शुरू से ही अगर हम शुरू करें तो जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे सबसे पहले हम इनकरेज करते हैं कि जी हर मदर को बच्चे को फीड करना चाहिए, यानी ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग वो कहते हैं जी एक घंटे बाद शुरू करें, दो घंटे बाद. जी ब्रेस्ट फीडिंग राइट अवे इन द डिलीवरी रूम शुरू हो जाती है. जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको माँ से लगा दिया जाता है, उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग. बॉन्डिंग का मतलब ये है, मतलब वो बच्चा माँ से बॉन्ड करता है, वो बॉन्डिंग से ही माँ के हार्मोन्स आते हैं और उसी से बच्चा सकल करता है तो फीड आ जाता है. ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है बॉडी की. ये तो इसी उसी को हम वहीं से डिलीवरी रूम से ही इनकरेज करते हैं कि जी फीडिंग वहीं से शुरू हो जाएगी. अगर सेक्शन है, इवन जैसी मदर आ जाती है थिएटर में ओटी से बाहर, तो फौरन बॉन्ड कराते हैं, फीड शुरू कराते हैं. तो बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है बॉडी की. फिर उसके बाद तमाम मदर्स को, अब मदर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं कि जी जी मुझे तो फीड नहीं आ रहा और मतलब फॉर्मूला दे दें. तो देखिए फॉर्मूला देना हमारे लिए तो बड़ा आसान है, बट वी डू नॉट इनकरेज फॉर्मूला. पहले जो याद रखिए, दुनिया में बेहतरीन दूध जो है वो माँ का दूध है. ठीक है, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका जो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके वो उसका कोई नेवल भाई, उससे जो इम्यूनिटी मिलती है, उससे जो फाइटिंग कैपेबिलिटी मिलती है बच्चे के जिस्म को, वो दूसरी चीजों से नहीं मिल सकती. तो हमेशा इनकरेज ये करते हैं कि जी खुद फीड कराएं. हाँ, बहुत सी वर्किंग मदर्स होती हैं, उनको चाहिए होता है कि जी कुछ अरसे बाद वो क्या कहते हैं फॉर्मूला दे दें. तो मतलब अगेन हम उनसे कहते हैं जहां तक आप नर्स कर सकते हो, इवन यू कैन फ्रीज योर ब्रेस्ट मिल्क. आप अपने रेफ्रिजरेटर में रख लें, फ्रीजर में रख लें. मतलब अगर आप काम करते हैं 3 घंटे तो किसी को आप देकर जा सकते हो, वो फ्रिज में रखकर और इस्तेमाल कर सकता है. एक्सप्रेस ब्रेस्ट, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क. ठीक है, तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क इस्तेमाल किया जा सकता है. तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले उनको हम ब्रेस्ट फीड की बात करते हैं. ठीक है, सप्लीमेंटल फीडिंग की को हम इनकरेज नहीं करते. अच्छा, यूजुअली फिर उसके बाद जिस तरह बच्चे बड़े होते जाते हैं वीनिंग बोलते हैं. वीनिंग मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी सॉलिड. सेमी सॉलिड्स का मतलब ये है कि जो मतलब कैसे एक बच्चे की वीनिंग, वीनिंग यानी कि आप कैसे उसको खिलाना शुरू करेंगे. तो द अर्लीस्ट मतलब अगेन 6 months इज द आइडियल, बट कुछ मदर्स पहले भी शुरू कर देती है और कुछ प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं जिनका वेट गेन बहुत पुअर होता है तो उनको भी थोड़ा जल्दी शुरू कराया जाता है. लेकिन अमूमन आइडियल इज 6 months, बट अगेन यू कैन स्टार्ट एनीवेयर आफ्टर 4 months. ठीक है, तो उसमें अमूमन जो, और हमेशा हम कहते हैं देखें होम कुक फूड. होम कुक का मतलब है जो घर में चीजें अवेलेबल है, नो फैंसी फूड. अच्छा, जो रोजमर्रा की चीजें आपके घर में मौजूद है, लाइक केला आपके घर. हमेशा एक सिंपल चीज से शुरू किया जाता है. एक सिंपल चीज से, एक चीज, कभी भी 4 चीजें एक साथ ना शुरू कीजिए. हमेशा एक चीज शुरू कीजिए और उसको मतलब हर हफ्ते एक नई चीज इंट्रोड्यूस कीजिए. तो सपोज आप उनको वीनिंग के लिए कहेंगे पहले हफ्ते में आप केला शुरू कर दें, तो केला वो कहेंगे जी कितना केला शुरू करें, मतलब कितनी दफे दें क्या. तो हमेशा क्वार्टर ऑफ अ बनाना, 1/4 केला मैश कर वहां, क्यों दांत होते नहीं है बच्चों के, तो आप उनको वंस अ डे से शुरू करवाइए. ठीक है, फिर देखिए और याद रखिए हर बच्चा पहली गो में हर चीज पसंद नहीं करता है. आपकी मे बी आप मीठा पसंद करते, दूसरा आदमी खारा, मैं कुछ और पसंद करता, मुझे नहीं पता आपका बच्चा क्या पसंद करता है. तो वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स. तो मतलब केला इज वेरी चिल्ड्रन फ्रेंडली, इट हैज मैक्सिमम कैलोरीज और क्या कहते हैं सेफ, से पेट वेट भी नहीं खराब होता. तो यूजुअली हम इस तरह की सिंपल चीजों से फिर कहते हैं जी अगले हफ्ते में आप जो केला तो दे रही हैं, अब आप कभी केला कभी एप्पल दे दीजिए, एप्पल प्यूरे बना दीजिए, एप्पल सॉस बना दीजिए, एप्पल तो वो शुरू कर दीजिए आप दूसरे हफ्ते में. फिर कभी तो हमेशा दिन का 9-10 बजे का वक्त इज द बेस्ट टाइम ऑफ द डे जब बच्चा
बेहतरीन मूड में होता है, आराम करके उठता है, फिर तीसरे हफ्ते में आप उनको कह सकते हैं कि जी आप इसको आप सुबह शाम कर सकते हैं, आप आलू ले लीजिए, सारी चीजें मीठी देने की जरूरत नहीं है। और पहले साल में यूजुअली आजकल जो करंट रिकमेंडेशंस हैं पीपीए की, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की और डिफरेंट, उनमें यूजुअली नो सॉल्ट नो शुगर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आप हर चीज में, कुछ लोग कहते हैं जी बच्चा डॉक्टर साहब पानी नहीं पीता तो उसमें शक्कर डाल दूं, बिल्कुल नहीं, नो, बिल्कुल आप कोई रोजा कोई जामेशी नहीं, बिल्कुल नहीं डालेंगे। आप जिस तरह खुद पानी पीते वैसे आपका बच्चा पिएगा, ठीक है। तो आप कोई चीज को ऐड नहीं, आप क्या रोजा पीते हैं रोज, बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे गलत चीज है जो लोग करते हैं। तो आपने बेसिकली पानी को एज जैसे आप पानी पीते हो, याद रखिए बच्चे ब्लैंड फूड ले सकते हैं, ब्लैंड का मतलब है कोई उसमें बहुत सीजनिंग की जरूरत नहीं होती है। तो आपने फिर तीसरे हफ्ते में आलू शुरू कर दिया, आलू को आप फिर उसकी छील उतार कर उसको मैश पोटेटो बना दें, उसको थोड़ा थोड़ा कर शुरू करें, सुबह एप्पल दे दिया शाम को, इसी तरह से हर हफ्ते एक नई चीज, सूजी साग जो आप देना चाहते हैं दे सकते हैं वाली बात है। हाँ इसके अलावा कुछ प्रोसेस फूड मिलता है लाइक सेरेलैक मिलता है, आप कुछ और बना सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि घर घर की चीजें जो आप घर में चीज इस्तेमाल करते हैं याद रखिए वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उस चीज के जो आप क्या कहते हैं। तो ये मतलब